तो वेलकम टू वत्सल बाइकर्टिप्स। और आज हम लोग बात करेंगे टॉप बॉक्स, जो रिव्यू है मेरा 2000 किलोमीटर के बाद टॉप बॉक्स और जाना का रैक। तो जाना का रैक तो ठीक है क्योंकि उसकी लोडिंग कैपेसिटी 12 kg है और मैं पूरा 12 kg भर के गया था। यहाँ पे मैंने वेट चेक किया था स्केल के ऊपर और पूरा ये 12 kg भरा हुआ था वेट, और ये कुछ इस तरह से रैटल होता है। खराब वाले रोड्स पे आई थिंक थोड़ा बॉल्ट उसका लूज़ हुआ है, रैक का नहीं पर प्लेट्स का, तो वो थोड़ा टाइट करना पड़ेगा, पर इतना रैटल तो होता ही है। ये बॉक्स के बारे में, उससे पहले ये जो होकरना की राइड हुई ना उसके बाद मैं बाइक को कभी साफ नहीं किया, निकाला भी नहीं है तो बहुत गंदी हो चुकी है, तो पहले उसको साफ कर देता हूँ मैं। बाइकर्टिप्स भाइयों, हम लोग गोकर्णा से आ चुके हैं वापस और बाइक को थोड़ा साफ किया मैंने अभी, क्योंकि जब से आया हूँ तब से बाइक ऐसे ही पड़ी है। तो आज हम लोग बात करेंगे एएसजी टॉप बॉक्स और जाना का रियर बैक। तो भाई मैंने पूरा 1000 किलोमीटर से ज़्यादा सिंगल साइड, टोटल हुआ था 2100 किलोमीटर, तो 2100 किलोमीटर के लिए मैंने चलाई ये बाइक इसके साथ में, और इट वॉज लोडेड विथ 12 kg, जो कि जाना का रेटिंग किया गया है उसके एकदम बॉर्डर लाइन है, और वो भी स्मूथ रोड्स के लिए। और मैंने इसको चलाया है खराब वाले रास्ते में भी, देख लीजिए यहाँ पे। तो ये जो टॉप बॉक्स है, टॉप बॉक्स और बढ़िया, पर ये थोड़ा मतलब यहाँ पे देख सकते हो वाइब्रेशन है यहाँ पे। तो अभी मेरे को इसके नट बोल्ट्स भी चेक करने पड़ेंगे कितने, वैसे तो कम ही है पर इतना तो ये नॉर्मली हिलता ही है क्योंकि ये जाना का जो रैक है वही हिल रहा है थोड़ा बहुत। तो मेरा जो एक्सपीरियंस 2000 किलोमीटर चलाने के बाद बोलता है कि जाना आई थिंक थोड़ा और अपग्रेड कर दे क्वालिटी को, तो आराम से 20 kg का भी लोड अगर ले सके ऐसा बना दे तो बहुत अच्छा पड़ेगा। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि जो ये वाला रैक है उसको एक दो ट्रिप और यूज़ करूँगा मैं, देखता हूँ अच्छे वाले रोड्स पे। ऑब्वियसली अभी जो गोवा के लिए मैंने यूज़ किया था वैसे रोड्स पे मैं नहीं यूज़ कर सकता, ऐसा मुझे लग रहा है, बिकॉज दे आर बिट वीक। और इसमें कैरी करता हूँ मेरा लैपटॉप और मेरे कपड़े, और आगे टैंक बैग रहता है उसमें पूरा कैमरा गियर रहता है वो और अपना हेलीकॉप्टर, पर वो मैं बहुत कम कैरी करता हूँ क्योंकि बहुत सारी दिक्कत है अभी ड्रोन उड़ाने के लिए, तो फिर आई अवॉइड दैट। और उसका ऑप्शन अपने लिया है 360 से। तो ये बात हो गई, तो अभी मेरी पूरी जो 2000 किलोमीटर की राइड थी उसमें आई थिंक 200 किलोमीटर से ज़्यादा तो खराब रोड हमने चलाई हुई होगा, 200 मिनिमम 200 से ज़्यादा, क्योंकि हम लोग इंटरनल रूट से गए थे और इंटरनल रूट बहुत सारी जगह पर ख़राब है। और थैंक्स टू GPS आंटी, हम लोग जाते समय बेलगांव तक गए, कौन सा करना था अपने को चोरला घाट, और मैं भूल गया था कि चोरला घाट ऐसे करके मतलब सर्च करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट जो शॉर्टेस्ट रूट दिखा है वो ले लिया, एकदम खराब हुआ ऑलमोस्ट 60-70 किलोमीटर्स, तो उसमें हमारी पूरी लग गई थी। और मेरे को तब यही टेंशन था, एक तो रात का टाइम था और ये टूट ना जाए, अगर टूट जाता ना बहुत दिक्कत होने वाली थी, क्योंकि हम लोग एकदम स्लो भी नहीं चला जा सकते, एकदम फास्ट भी नहीं चला सकते थे, तो ऐसे कुछ सीन्स थे। तो जैसे तैसे करके हम लोग गोवा तो पहुंच गए, गोवा से रिटर्न आते वक्त हम लोग गए गोकर्णा, क्योंकि एक्चुअल हमारा जो प्लान था वो था गोकर्णा का, IBW एक बहाना था, गोकर्णा मेन था,
तो वो करना के लिए गए तब भी ऑलमोस्ट अच्छे रास्ते थे, क्योंकि वो भी अपना इंटरनल हाईवे, इंटरनल नहीं बोल सकते पर कोस्टल हाईवे था जो कि अभी बन रहा है गोवा टू मैंगलोर, वो 4 लेन हाईवे बन रहा है तो वो ऑलमोस्ट रेडी है। तो वो हाईवे तो एकदम अच्छा था पर गोकर्णा के जो लास्ट के 7 किलोमीटर थे उसमें बहुत ख़राब था, वो भी इतना ज़्यादा नहीं बोल सकते पर थोड़ा 2-5 किलोमीटर बहुत ख़राब पैच था, फिर तो गोकर्णा में अच्छा ही है सब। ये सब एक्सपीरियंसेस के बाद में ये मैं यही बोलूँगा, मैं टॉप बॉक्स तो मैं रिकमेंड करूँगा क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसके साथ में अपने को ये लाइट्स मिल जाते हैं, तो लाइट्स का क्या होता है मेरे उसमें लगा हुआ हैजार्ड सिस्टम, तो पूरा मतलब बाइक दूर से एकदम अच्छे से भी दिखता है। एक्स्ट्रा लाइट्स, 2 हैजार्ड लाइट्स अपने को एक्स्ट्रा मिल जाएगी इसमें। यहाँ पे ऊपर भी पैनल्स दिए हुए हैं तो वहाँ पे भी मैं अगर चाहूँ, यहाँ पर ये वाला तो यहाँ पर भी मैं चाहूँ तो मैं लगा सकता हूँ, पर ठीक है अभी वो नहीं कर सकते तो वो देखेंगे बाद में। पर ये है एक्स्ट्रा इसका। और दूसरा जो ये रैक की बात करूँ तो रैक आई थिंक 8-10 kg लोड लेने के लिए एकदम परफेक्ट है। ये वाला टॉप बॉक्स थोड़ा बड़ा पड़ेगा क्योंकि ये 35 लीटर्स का, इसमें तुम आराम से 12 kg तो आराम से ले सकते हो यार, मिनिमम ले सकते हो, क्योंकि मैंने एकदम फुल नहीं भरा था, थोड़ी सी स्पेस खाली रहती थी पर बहुत स्पेस थी। तो रिटर्न में मैंने क्या हो गई, छोटा वाला बैग ले लिया था मैंने, तो उसमें डाल लिया था आधा सामान, तो उससे थोड़ा कम हो गया इसमें वेट, 1-2 kg कम कर दिया था मैंने। जैसे बहुत सारी दिक्कतों के बाद हम लोग पहुँच गए यहाँ पर रिटर्न सूरत, 2100 किलोमीटर ख़त्म कर दिया, बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स भी बहुत सारे गुजरे। और आपको पता ही होगा कि महाराष्ट्र में जैसे ही आप NH4 के पास में पहुँच जाते हो तो पेंट के पूरे जो स्पीड ब्रेकर्स जैसे छोटे छोटे बनाए हुए होते हैं, वैसे तो छोटे होते हैं, कार में आपको फील नहीं होगा पर बाइक में स्पेशली ऐसी कुछ चीज़ लगाई होती है ना तो पूरा फील होता है आपको। पर मैं 100 के ऊपर क्रूज नहीं कर पा रहा था, थोड़ा मतलब बैक ऑफ द माइंड थोड़ा मतलब डाउट रहता था, और वैसे भी 110 के ऊपर बाइक जाती थी तो ये वाइब्रेशंस बढ़ जाते थे, तो ये ऐसा वाइब्रेट नहीं होना चाहिए, ये इसमें दिक्कत है थोड़ी। तो दूसरा ये मैं पॉइंट निकालता हूँ, पहला पॉइंट लोड कैपेसिटी बहुत कम है, बिल्ड क्वालिटी थोड़ी अपग्रेड कर दे जाना तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा स्पीडिंग नहीं कर सकते, स्पीडिंग मतलब 100+ आपको जाना है तो थोड़ा दिक्कत होगा, मतलब पूरा लोडेड होगा ये, और वाइब्रेट इतना होगा तो कुछ ऐसी जगह या कोई चीज़ ऐसी आ सकती है, हो सकती है कि इसके जो वाइब्रेशंस हैं वो एकदम पीक लेवल पे चले। अगर आपको फिजिक्स थोड़ा नॉर्मल में बताऊँ तो ये जो वाइब्रेशंस है वो कॉन्स्टेंट चलते रहेंगे और एक ऐसा फेज आएगा कि ये एकदम पीक पे पहुँच जाएगा, और ये इतना पीक पे पहुँच जाएगा कि ये टूट जाएगा। तो ये सब दिक्कत ओवर स्पीड 100+ में क्रूज करने में मेरे को ये थोड़ी दिक्कत लगती है, ये इतने दिल रहा इसलिए। उसके बाद तो ये तो हो गई रैक की बात, रैक थोड़ा वीक है पर आई थिंक यू कैन मैनेज 10 kg फॉर लॉन्ग राइड। और आप ख़राब रोड पे जा रहे हो जैसे कि स्पीति वाली है या तो फिर लद्दाख है, लद्दाख तो वैसे 90% अच्छा है, पर मनाली टू ले तंजंस्कार ये सब रूट से उस वहाँ पर आप 10 kg के ऊपर इसको शायद ही लेके जा सकते हो, और इतना बड़ा टॉप बॉक्स तो शायद ही लेके जा सकते हो वहाँ पे। ये रोड्स इतने ख़राब है ना आप कुछ भी नहीं कह सकते, किसी भी वक्त टूट सकता है। एक्चुअली मेरे सामने इससे छोटा इतना छोटा मेटल का टॉप बॉक्स लेके हिमालयन पे बंदा जा रहा था पेंगोंग वाले रोड पे, वो बीच में से इंटरनल ख़राब है तो उसका टॉप बॉक्स टूट गया था, यहाँ से मतलब पूरा कैरियर ही टूट के नीचे गिर गया। ख़राब रोड इतना रैटलिंग साउंड, क्योंकि ये पूरी जो फ्रेम है ये पूरी फ्रेम हिल रही है, देखो यहाँ से वो ये फ्रेम ही मतलब इतना वीक है कि इतना वेट नहीं ले पाएगा। और वैसे वहाँ पे IBW जाके मैं जाना के स्टोर पे भी गया था, वहाँ पे भी बात की तो उन्होंने तो मेरे को ये बोला कि आप भैया बहुत ओवरलोड लेके आए हो, पर अपने चैनल का नाम है वत्सल बाइकर टिप्स तो यहाँ पे ये सब टेस्टिंग तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप लोग को कैसे पता चलेगा। अगर मैं एक्सपीरियंस करके आपको बता सकता हूँ कि ये सब हो रहा है तो आपको उतना वो बेटर पड़ेगा, आप अपना इन्वेस्टमेंट वैसे कर सकते हो। फिलहाल मैं अभी आर्ट का जो रैक आता है इसका
वो थोड़ा मोटा है और पूरा मेटल का फ्रेम है, बड़ा सा प्लेट जैसा है, फ्रेम भी नहीं बोल सकते, पूरा इतना मोटा ऐसे प्लेट जाता है ऐसे करके। और राहुल का जो कैरियर है ना रोमित रागा पे देख लेना, आई बटन यही साइड पर था ना, नहीं ये साइड पर, आई बटन पे देख लेना रोमित रागा का जो वीडियो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ उस पर उसका पूरा फ्रेम दिखाया होगा उसने, तो उसके हिसाब से कुछ फ्रेम आता है शार्ट का, वो थोड़ा हैवी ड्यूटी लग रहा है मेरे को, तो मैं उसका थोड़ा रिसर्च करके देखता हूँ, क्योंकि वो अभी 5,500-6,000 में मिल रहा है और जाना का आई थिंक 4,000 का था, पर उसमें प्लेट आ रहा है या नहीं आ रहा है वो थोड़ा दिक्कत का देखने का चीज़ है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट शायद ये माउंटिंग प्लेट जो आती है वही लग जाती है ऐसे करके कुछ तो है, तो कन्फर्म करके फिर उसके बाद में मैं बताऊँगा या तो लूँगा। तो आई थिंक अगर आपके पास पॉसिबल हो दूसरा ऑप्शन तो आप शार्ट के लिए जा सकते हो, या तो फिर उसके बाद तो फिर जितने भी मिल रहे हैं बहुत महंगे हैं। गीवी का भी सिस्टम है वो आई थिंक 8,000 या 9,000 का है, वो भी हैवी ड्यूटी है, पर इसका कुछ नहीं बोल सकते। जो 390 ओल्ड मॉडल है उसका थोड़ा अच्छा सा है, क्योंकि उसमें यहाँ से लगता है और यहाँ पे भी 2 बोल्ट आएंगे, तो 6 बोल्ट पे टोटल सिस्टम रहेगा, ये पूरा सिर्फ यहाँ पे 2 बोल्ट है, यहाँ पे 2 बोल्ट है, 4 बोल्ट पे ही है, पीछे से और कोई सपोर्ट नहीं है। तो अगर इसमें लगे मुझे तो मैं ये भी सोच रहा था कि यहाँ से ऐसे कुछ सपोर्ट बनाया जाए, जैसे कि आपने NS के कार्बन रेसिन का जो NS का ये पूरा सेटअप है उसमें उन लोगों ने वैसे ही करके रखा है, तो शायद वो एक ऑप्शन है मेरे पास, अगर कुछ ना हो तो वो तो ट्राई करके देखूंगा ही, वो पहले भी सोच रहा था वो करना से पहले, पर मैंने सोचा चलो पहले ऐसे ही ट्राई करके देखते हैं, इसीलिए थोड़ा दिक्कत भी था। और दूसरा ये कि अगर आप हाईवे पे क्रूजिंग कर रहे हो 100+ और आप ड्यूक लेके जा रहे हो तो आप ऑब्वियस है कि आप 100+ ही जाने वाले हो, 100-110 ये अपना क्रूजिंग स्पीड इतना तो रहता ही है नॉर्मली, तो उस पर ये थोड़ा ये जो वाइब्रेशन है ये थोड़ी दिक्कत करने वाला है आपको, तो ये मेजर प्रॉब्लम है इतना वेट यहाँ पे रखने में, प्रॉब्लम है जाना का, ना तो टॉप बॉक्स का ना तो बाइक का, ये जाना की वजह से हो रहा है। तो ये अगर फिक्स हो जाएगा ना तो आप आराम से मेरे ख्याल से 130-140 तक भी लेके जा सकते हो बाइक को, क्योंकि मैंने ये सेटअप में आई थिंक 6-7 kg वेट के साथ में मैंने 140 तक क्रूज़ किया था, पर बहुत कम टाइम के लिए 140 टच किया था ऐसे बोल सकते हैं, तो मतलब डूएबल है, पर कॉन्स्टेंटली करना थोड़ा शायद आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि थोड़ा फील भी होता है 130-120 के स्पीड पे। पीछे मतलब विंड ब्लास्ट लग रहा है, पर ये थोड़ा एरोडायनेमिक है तो इसमें थोड़ा कम लगता है। राहुल का जो 32 लीटर्स का जो ओल्ड वाला मॉडल है उसमें बहुत ज़्यादा विंड लगता है इसमें, क्योंकि वो पूरा स्क्वायर डब्बा ही है। तो ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए, और बहुत पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज कैरिंग होता है ना। और तो भी बाइकर टिप्स आपको अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके आएंगे, बाय। क्या आपको दिख रहा है नॉर्मली इतना मिलेगा, ये पूरी फ्रेम हिल रही है।